हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल रियल नुस्खे में, जिसमें आज हम आपको बताने वाले हैं पेशाब की रुकावट या फिर पेशाब का बूंद बूंद होकर आना। पेशाब आपको अगर खुलकर नहीं आ पा रहा है, पेशाब रुक गया है आपका, और अगर आपको पेशाब कर भी लेते हैं तब भी आपकी बूंदें जो हैं बाद में टपकती रहती हैं, तो आप इस समस्या से छुटकारा पा सकते हैं बड़ी ही आसानी से और घर पर रखी चीजों से। तो आइए जानते हैं कि हमें कौन सी वो चीजें लेनी है जिससे इस घरेलू नुस्खे को बनाना है और इस्तेमाल करने के बाद में आपकी पेशाब की रुकावट या फिर पेशाब का बूंद बूंद होकर आना बिल्कुल ठीक हो जाएगा सिर्फ 3 बार में। तो चलिए फ्रेंड्स, इसको स्टार्ट करते हैं। जिसके लिए हमें लेना है प्याज। प्याज जो आपके घर में बड़ी आसानी से मिल जाएगा, तो हमें एक प्याज लेना है। इसके छिलके को आसानी से उतार लीजिए। दोस्तों, मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए आए हो तो फिर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। तो फ्रेंड्स, इस तरीके से हमने प्याज का छिलका उतार लिया है। अब आपको करना ये होगा कि इस प्याज को आपको इस तरीके का कद्दूकस लेकर के इसको कद्दूकस कर लेना है, या फिर आप इसका बारीक पेस्ट भी सिलबट्टे पर बना सकते हैं, जो आपको अच्छा लगे, जो आपको आसान लगे। मैं सिर्फ आपको एक मैनुअल तरीका बता रही हूँ जिससे करने से आप अपनी इस समस्या से छुटकारा पा लेंगे बड़ी ही आसानी से। तो देखिए, इस तरीके से हमने कर लिया है। हमने एक छोटे साइज का प्याज लिया था जिसको हमने कद्दूकस कर लिया है। अब इसमें एक चीज आपको और मिलानी है दोस्तों। आपको इसमें मिलाना है चीनी। जो आपके घर में चीनी होती है दोस्तों, आपको वो 2 चम्मच चीनी लेनी है और इन दोनों को आपस में अच्छी तरह से मिला लेना है। अब इसको आप आसानी से खा सकते हैं, दवाई की तरह खा लीजिए। सिर्फ 3 दिन इसका इस्तेमाल करके देखिए, आपकी पेशाब की रुकावट या फिर बूंद बूंद होकर पेशाब का आना बिल्कुल गारंटी से जड़ से ठीक हो जाएगा। बहुत ही अच्छी रेमेडी है, आप इसको जरूर ट्राई करें दोस्तों, और फिर मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि आपको कितना फायदा हुआ। चलिए, मिलते हैं नई वीडियो।